दोस्तों, ये हमारे पास है सिल्जू डॉग ब्रीड जो कि तिब्बत से आती है और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत प्लेफुल डॉग ब्रीड है और इसकी बिग आइज होती है ब्राउनिश और इसकी कोट आते हैं 5-6 कलर के, ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन, मतलब 6-7 इसके कोट आते हैं अलग अलग। उसमें हमारे पास ये ब्राउन एंड वाइट कलर में है और इसकी जो हेड शेप होती है वो लायन जो होते हैं, लायन का हेड उस टाइप की होती है और इसका फेस होता है फ्रॉग फेस, ठीक है। तो अब इसको हम देखो आपको दिखाएंगे कि इसको क्या क्या हमने सिखा रखा है। मको कम, मको मको स्टैंड 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 मको स्टैंड स्टैंड लो मको स्टैंड 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 जंप 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 और इस डॉग ब्रीड की खासियत ये है कि इसको स्मॉल अपार्टमेंट में भी रखा जा सकता है और कहीं जाना हो तो इसको उठा के अपने गाड़ी में रखा और निकल गए घूमने। इस डॉग ब्रीड की कोट के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा इसका कोट बड़ा हो जाता है तो इसकी ग्रूमिंग वगैरह 2 मंथ्स में होनी चाहिए और इसको खाने की डाइट वगैरह ये है कि इसको दिन में एक एग दे दिया जाए, दोपहर में 2 बजे तक कुछ खीरा वीरा या फिर थोड़े बहुत राइस और शाम को एग और पेडिग्री। तो इसकी डाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है, कम ही डाइट है। तो इसको हम आपको एक बार दिखाएंगे कि कितना प्लेफुल है ये। ये मफिन का टॉय है, मफिन मफू टॉय 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 पकड़ो 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 टॉय 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 पकड़ो टॉय 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 कहाँ गए टॉय, ढूंढो 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 कहाँ है टॉय, ढूंढो टॉय कहाँ है, टॉय कहाँ है मफिन, ढूंढो ढूंढो। अरे तो ऐसी डॉग ब्रीड है, बहुत ही क्लेवर डॉग है, बहुत ही क्लेवर इंटेलिजेंट है। अगर बैल भी बजेगी तो ये भोकेगा और बता देगा अपने मालिक को कि हाँ जी कोई गेट पे है। तो एक बार और दिखाएंगे, मफू कैच कम पकड़ो पकड़ो कम पकड़ो 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 खो गई कहाँ गई, ढूंढो ढूंढो कहाँ कहाँ फाइन फाइन ढूंढो कहाँ पता है कि इसका टॉय कहाँ पे है और क्या क्या है। खास बात इस डॉग ब्रीड की और खासियत ये है कि कहीं अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं बाहर जाना है तो इसको किसी अपने फ्रेंड के पास भी छोड़ सकते हैं और गाड़ी वाड़ी में या फिर प्लेन के थ्रू कहीं पे आप जा भी सकते हैं इसको लेके। और बाकी इसको थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है तो अगर घर में एसी वेसी हो जब भी आप इस ब्रीड को रखें, क्योंकि बिना एसी के ये नहीं रह पाएगा क्योंकि इसका कोट थोड़ा हैवी होता है। बाकी इस ब्रीड की खासियत यही है कि बहुत प्लेफुल है, सबके साथ फ्रेंडली हो जाता है और इसके साथ बच्चों को भी डर नहीं लगता, उन्हें भी बहुत मज़ा आता है। हमारे घर में भी एक छोटा बेबी है तो उसके साथ ये इजी घूमता फिरता है खेलता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी इसकी ग्रूमिंग वगैरह 2 महीने में आपको मैंने बता दिया है, करवाते रहें। बाकी और तो इस ब्रीड में कोई कमी हमें लगी नहीं, बेस्ट डॉग ब्रीड है, बहुत प्यारी है, हमारे साथ हमारे बेड पेस होती है, बहुत प्यार से हमने अपने बच्चे की तरह इसको रखा हुआ है। जय हिंद जय भारत।